लेकिन इस बीच दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का करेंगे रुख। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की कोर्ट में आज पेशी। अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। दोपहर 2 बजे कोर्ट में सीबीआई मनीष सिसोदिया को करेगी पेश। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर, गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी आज कर रही है। पार्टी कार्यालय पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी और इसको लेकर के भारी पुलिस बल की तैनाती, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर भी धारा 144 लगाई गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ये गिरफ्तारी जो हुई है और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। तो गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आप समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे वाक्य को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम को लेकर कहा कि मुझे बताया गया कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वो सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया और उन्होंने जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई उसकी निंदा की। राउत ने कहा कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी में हिमालय से लाए हुए संत महात्मा या साधु बैठे हैं? हमारी पार्टी यानी कि शिवसेना मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनेंद्र सिंह जुड़े हैं। अवनेंद्र, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और आज कोर्ट में पेशी भी है, इसके मद्देनजर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं और आम आदमी पार्टी जो है किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वो कहीं कहीं छापने में तब्दील दिखता नजर आ रहा है। जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो भारी संख्या में मौजूद है, चाहे महिला दिल्ली पुलिस की महिला है वो भी जवान जो है वो भी भारी संख्या में तैनात है। सीआरपीएफ के भी जवान तैनात है, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। इधर जहाँ भी रोड कई सारे रोड आईटीओ की तरफ से जो डीडीए मार्ग है वो बंद कर दिया गया है और दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से भी दोनों तरफ से जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है तो उसके अंदर जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके अंदर ही कैद हैं। अभी किसी तरीके का आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जी, यानी कि अवनेंद्र ये माना जाए कि अभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया है और पुलिस की अगर बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात दिखाई दे रहा है, कहां कहां पर पुलिस ने जो है चेकिंग इस वक्त चलाई हुई है, चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पुलिस आईटीओ की तरफ से ही आईटीओ चौराहे से ही मैन है जो आईटीओ वहां से बंद कर दिया गया है। इधर इधर जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है इधर से भी बंद कर दिया गया है। तो अब लगभग पुलिस के जो दिल्ली पुलिस के जवानों की बात की जाए वो 3 से 4 हजार की संख्या में तैनात किए गए हैं, जबकि ये भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भी लगभग 1 हजार से जवान से ऊपर ही जो है वो तैनात नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वो छापनी में इस समय तब्दील दिखता नजर आ रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि आज वो 12 बजे बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे तो कहीं कहीं वो जो कार्यकर्ता है अभी वो कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या बीजेपी ऑफिस का घेराव कर पाते हैं या फिर उन्हें दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है। जी अवनेंद्र, अभी जो है मनीष सिसोदिया कहां पर हैं और कोर्ट आज उन्हें लेकर पहुंचेगी सीबीआई, तो जिस रास्ते से उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा वहां पर सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के तो पुख्ते इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। जो मनीष सिसोदिया है लगातार बात कही जा रही है, जो उनको कोर्ट में पेश किया जाना था वो जो है वो ऑनलाइन ही पेश किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अब उन्हें वाई रूट नहीं लाया जाएगा। जी ठीक है, यानी कि ऑनलाइन पेशी जो है कोर्ट में कराई जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से वो कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे, उन्हें सीबीआई लेकर नहीं पहुंचेगी कोर्ट। जी, और देखिए ये आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये
आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। कितनी भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, महिला जवान हैं, भारी संख्या में तैनात हैं। जी, जिन आप नेताओं को हिरासत में लिया गया था बीते रोज, उनको भी पुलिस ने अब रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पर प्रतिक्रियाओं की, रिएक्शंस की बात करें तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और राजनीतिक खेमा जो है वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक खेमा कहीं कहीं जो है आम आदमी पार्टी के जो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनको हिरासत में लिए गए, उस तरीके से कहीं कहीं जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। जबकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कल 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। 6 और कार्यकर्ताओं पर जो है वो कार्रवाई हुई है, इनको भी यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा जो कल आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, जब उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनींद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय के बाहर जो है, जो दिल्ली के आईटीओ लोकेशन में स्थित आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, उसके आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है। सेंट्रल दिल्ली के आसपास अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवानों को भी